Hello, Bachchu. If a dipole of dipole moment PI is placed at the point 0, y, यानी कि अगर हमारा x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है और एक डाइपोल रखा हुआ है जो 0, y पर है और उसका डायरेक्शन PI है, let's say this is the dipole, kept here, and a point charge at the origin of coordinate system, यहां पर एक point charge रखा हुआ है और उसका नेचर नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, just a point charge is kept here, let's say it's a Q. Electric field at point x कॉमा एक्स प्लस वाई वैनिशेज, यानी कि के एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया, ये डिस्टेंस वाई दी हुई है याद रखिएगा, और अब उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया एक्स यहां से और ऊपर एक्स प्लस वाई, तो ये वाई पहले चढ़ा और फिर मैंने एक्स ऊपर चढ़ा, यानी कि दिस इज द पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो थोड़ी ज्योमेट्री देखें तो ये y है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास x है, a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. अगर a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों की, डाइपोल की और चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी. डाइपोल का ओरिएंटेशन हमें दे रखा है इधर की तरफ है, तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस पॉइंट पर आने वाली है वो इस तरफ आएगी, अवे की तरफ इस तरफ आएगी. देखता हूं मैं कैसे. डाइपोल के कारण जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने का तरीका क्या पता होता है आपको, अगर ये जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पर, तो वी कैन ब्रेक दिस डाइपोल इन टू पार्ट्स, एंड इफ यू सी दिस एंगल, दिस इज एक्स, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो यू कैन अज्यूम देयर इज अ डाइपोल हियर व्हिच इज पी कॉस 45, एंड देयर इज अ डाइपोल हियर, there is a dipole here in this direction which is p sin 45. ये हमारे पास दो डाइपोल हैं. इन दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी तो उसको कैसे निकाले, तो अपन देखते हैं. p cos 45 के लिए एक्सियल पोजीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, और p sin 45 के लिए ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आएगी. अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ आ रही है और वो कैंसिल हो रही है q से, तो कम से कम एक बात क्लियर है कि q नेगेटिव होना चाहिए. ये बात हम एकदम क्लियर हो गई, क्यू नेगेटिव होना चाहिए. अब बात ये है कि अब हम क्यू की वैल्यू तो दी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होने के लिए, तो वन थिंग आई एम श्योर कि इस दोनों की, इस पी की जो ये पिंक पिंक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इनका रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग ही आना चाहिए, तभी तो बेचारा क्यू कैंसिल कर पाएगा, क्योंकि क्यू कहता कि मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अपने अपने रेडियल डायरेक्शन में ही बनाऊंगा, तो उसकी अगर किसी और डायरेक्शन में होती तो दो डिफरेंट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल तो नहीं हो सकती थी. तो इसको कैंसिल करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इधर की तरफ होनी चाहिए. अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. इसको मैंने मान लिया ये E1 है हमारे पास, ये E1 है और ये हमारे पास E2 है. तो E1 E2 को पहले लिखते हैं. E1 क्या चीज है? E1 इज द P cos 45 के लिए इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन है, तो 2k P cos 45, थोड़ा काम करते हैं, बाय रूट 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस जो हमारे पास है x रूट 2 का होल क्यूब. तो अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2kp, यानी रूट 2 ऊपर की तरफ आया, नीचे आया 2 रूट 2, तो ये आएगी 1 upon 2 kp by x cube. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. सिमिलरली इफ यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ E2, आप चेक करिएगा, इट कम्स आउट 1/4 kp by x cube. तो 1/4 kp by x cube, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है, kp by x cube इज जस्ट अ कांस्टेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो 1/2 है और वो जो है वो 1/4 है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो इनका रिजल्टेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं. तो E1 से मैंने पूछा कि भाई तू क्या है, उसने कहा कि मैं थोड़ा XY में लेता हूं, तो ये एंगल 45 दिया हुआ है और ये एंगल भी 45 दिया हुआ है. तो अगर इन दोनों की रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी E1 माइनस E2 बाय रूट 2 आई कैप, और वर्टिकल में जो आएगी वो आएगी E1 प्लस E2 बाय रूट 2 जे कैप. थोड़ा देख लेना, मैथ्स लगाना, देख, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक्स और वाई में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करने, इट्स नॉट अ बिग डील. तो इसका मतलब इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी. अब इसकी डायरेक्शन यही सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जे कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है ये वाला, और ये है आई कंपोनेंट, उनका रेशियो वही होना चाहिए जो ये सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से जो इन साइड्स का रेशियो है, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी. तो इसका मतलब है अगर हम यहां पे लिखे E1 माइनस E2 बाय रूट 2 और E1 प्लस E2 बाय रूट 2, तो हम यहां लिख सकते हैं E1 प्लस E2 बाय रूट 2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 बाय रूट 2 इज इक्वल टू X प्लस Y ओवर X. अब रूट 2 कैंसिल,
E1 की वैल्यू 1/2 है और E2 की वैल्यू 1/4 है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा है कि हाफ माइनस वन बाय हाफ प्लस 1/4 ओवर हाफ माइनस 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स. तो विच कम्स आउट, इसको अगर हम यहां पे लिखें तो ये 3/4 बना, ये 1/4 बना, इट इज 3/1. और अगर आपने इसको 3/1 कहा तो y की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, इट इज इक्वल टू 2x. तो y की वैल्यू 2x आ जाएगी एंड दे आर जस्ट आस्किंग द वैल्यू ऑफ y, देन ऑब्वियसली द आंसर इज 2x. एकदम सिंपल सवाल था, मैथ थोड़ी सी लगानी थी, डरना नहीं था. अगर सही से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान से करना है. दिस इज द, कोई भी मुश्किल सवाल होता नहीं है, सारे सवाल आसान होते हैं. जस्ट राइट इट प्रॉपरली, से इट प्रॉपरली, सही से बोलिए, सही से लिखिए, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच.